नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरती। राष्ट्रपति की यात्रा से ठीक पहले तख्त श्री हरमंदिर जी में प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच बड़े विवाद की सूचना है। पटना साहिब में 22 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति की यात्रा निर्धारित है। राजा सिंह के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख अवतार सिंह के भाषण को न सिर्फ बाधित किया बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब के सामने श्रद्धेय दरबार हॉल में अवतार सिंह को जमीन पे पटक दिया। यह पहली बार नहीं है जब दुनिया भर में सिख समुदाय द्वारा प्रतिष्ठित और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थल के रूप में पहचाने जाने वाले तख्त श्री हरमंदिर जी की इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। इस तरह की घटना 2014 में भी सामने आई थी। ये तस्वीर है पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब की, जहां प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच विवाद की सूचना है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा से पहले कमेटी के सदस्यों के बीच में विवाद हो गया। इन तस्वीरों में आप साफ देखिए कि कैसे मैं आपको बता दूं कि कल तक श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में दिनांक 15 तारीख को कल जब प्रोग्राम चल रहा था दरबार साहब के अंदर, उस समय कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह जीत जो अपना प्रवचन भी दे रहे थे और जो कुछ लोग रिटायर हुए थे उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम था उस समय, और उस समय तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी के सदस्य राजा सिंह आए और उन्होंने उनके आगे से माइक हटा लिया और उन्हें धक्का देके गिरा दिया। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद बाहरी लोग इतने इकट्ठे हुए थे कि बाहर से बुलाए गए थे जो लोकल लोग थे कुछ, उन्होंने आके वहां पर मारपीट करने शुरू कर दी। उसके बाद में जो कुछ सेवादार थे उनके साथ भी मारपीट की और जब प्रधान साहब को कमरे में आ गए अपने, उस समय भी लोग इकट्ठे होकर आ गए और जो यहाँ के जथेदार हैं रंजीत सिंह गौहर उनके जो सेवादार हैं उनको साथ में मारपीट की और एक सेवादार हैं हरजीत सिंह जो दिल्ली के रहने वाले असिस्टेंट मैनेजर हैं यहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई और